तो मित्रों फिर क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो मित्रों, आए हाय ये दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों। यार मुझे तो लड़की लड़के से बड़ी दिख रही है, ना पढ़ाई ना लिखाई ना दाढ़ी ना मूछ दोस्तों, लेकिन फिर भी यार पकड़ ली शादी करके उसकी पूछ। और चेहरों पर खुशी देखो मित्रों, खुशी हो भी क्यों ना, यहाँ पर 30-30, 40-40, 50-50 साल के अंकल भी सिंगल बैठे हैं, लेकिन ये 16-17 साल की उम्र में यार शादी कर चुके हैं, अब तो यार बच्चा भी हो सकता है। चलिए बच्चों से जानते हैं कि उनका इंग्लिश का पेपर कैसा गया है। हाउ वाज द पेपर? इंग्लिश का था। क्या देश बदल रहा है? मित्रों पेपर देकर आ गए, लेकिन पता ही नहीं है कि पेपर किसका था। अगर ऐसे ही पढ़ेगा इंडिया तो घंटा आगे बढ़ेगा इंडिया। शर्म करो, भगवान से डरो। और यहाँ पर देखो मित्रों, मैडम जी आते हैं, लेकिन मैडम जी और बच्चों के इरादे कुछ ठीक नहीं चल रहे। देखो देखो मित्रों, हाथ पकड़ा और ले गई। इन सब की इन्हीं हरकतों की वजह से ऐसी खबरें आती हैं कि 10वीं के छात्र संग मैडम फरार। लेकिन ये मैडम और बच्चे ऐसे नहीं है मित्रों, ये मैडम बच्चे को ले गई है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए दोस्तों। अबे तू इतना हैरान क्यों हो रहा है, तुम्हें क्लासरूम में ले जाकर बहुत पढ़ने वाली है। और यहाँ पर देखो मित्रों, आजकल के मॉडर्न जमाने में और मॉडर्न स्कूल में कैसी कैसी कविताएं यानी कि पोइम सुनाई जा रही है। दुनिया में कोई गम ना हो, आपकी खुशियाँ कभी कम ना हो, भगवान आपको ऐसी आइटम दे जो सभी लोगों से कम ना हो। टीचर जी बोलते होंगे, मैं तो इन बच्चियों को होशियार बहुत ही समझदार समझता था, लेकिन ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। लेकिन मित्र ये टीचर जी की तरफ देखकर क्यों बोल रही है, कहीं उसे तो नहीं बोल रही कि आपकी खुशियाँ कभी कम ना हो, आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो और आपको ऐसी आइटम मिले जो कि सनी लियोनी से कम ना हो। देश बदल रहा है। झारखंड के हजारीबाग से बंदर का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। रोजाना स्कूल खुलते ही बंदर स्कूल पहुंच जाता है, बच्चों के साथ वो प्रार्थना भी करता है और फिर क्लास में जाकर बैठ जाता है। अब मित्रों मुझे बताओ कि और क्या होगा, यही सब तो होगा। बंदर पढ़ाई करके होशियार बन जाएंगे और आजकल के इंसानों के बच्चे निब्बा निब्बी बन जाएंगे और टीचर को अलग अलग तरह की कविताएं सुनाएंगे। आजकल के बच्चों को और इस बंदर को देखकर मुझे एक ही बात याद आ रही है कि ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और चांद की तरफ जा रहा है। मित्रों सब्सक्राइब कर लो मुझे, ठेका दे दो आपको साने का फॉलो कर लो, है ना। बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर देखो मित्रों, अंग्रेज के बच्चे को ये दूसरे बच्चे को बहुत ही गजब तरीके से बोल रहा है कि योर बेबी इज माई बेबी। देखो मित्रों कैसे बोल रहा है। खैर मित्रों यो भी हो, इस बच्चे का बोलने का स्टाइल बिल्कुल लाजवाब था। ये मित्रों पड़ोसी था इस बच्ची का। और यहाँ पर देखो मित्रों, मुन्ना, ओ मुन्ना ये क्या कर रहा है तू, अपने से 4 साल बड़ी लड़की के साथ शादी कर रहा है यानी कि सगाई कर रहा है। अरे मुन्ना ये तुम्हारी शादी करने की उम्र नहीं है, ये तुम्हारी कच्छे बदलने की उम्र है। लेकिन नहीं मित्रों, इस उम्र में ही शादी कर डाली और लड़की की तरफ देखो मित्रों कितनी बड़ी है इससे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आए हाय मित्रों दुखी मत हुआ करो मित्रों, इसकी आदत डाल लो, क्योंकि मित्रों ये दुनिया बहुत जालिम है। आप देख ही रहे हो आजकल के बच्चे शादी कर रहे हैं और बड़े यार सिंगल ही बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, बहुत बहुत मुश्किल है। एसपी ऑफिस क्यों आए हुए? मैं एसपी ऑफिस ले आया, हमारा लड़का एक लड़की से लगा हुआ है, ना लड़का मानना ना लड़की माननी, और उसके माँ बाप को भी समझा दिया लेकिन किसी के को समझ में नहीं आ रही। कल को अगर कोई वारदात हो गई, केस लगा दिया तो हमारा तो मकान टूट जाए। अरे अंकल पछताने से क्या होगा, तुम्हारा मकान टूटे ना टूटे, अगर टाइम रहते तुमने अपने बेटे का पिछवाड़ा तोड़ा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे अंकल जरा ध्यान से यहाँ पर देखा कहीं ये तुम्हारा बेटा तो नहीं, अगर ये है ना तुम्हारा बच्चा बहुत बहुत ही समझदार है, गलती तो आपकी है। यहाँ पर जोड़ी राजा रानी की बातें हो रही है दोस्तों। जिंदगी हो तो ऐसी यार, जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो हमारे नेता लोग भी बैठे हैं। पहले मित्रों लोग देखते थे कि लड़के से लड़की छोटी होनी चाहिए 1-2 साल, आजकल तो यार लड़की 4-5-10 साल बड़ी भी चल रही है, क्योंकि ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और यार बहुत कुछ अलग अलग कर रहा है। आप हंसते रहा करो मुझे, ठेका दे दो आपको साने का, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, मुझे फॉलो कर लो यार।